माट विधानसभा में आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। नरवार की आंकी सरदारी ने फैसला लिया है कि गठबंधन के उम्मीदवार के ऊपर मोहर लगाएंगे और गठबंधन के उम्मीदवार को जितवाएंगे। क्यों लिया गया है ये फैसला? हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं जो अलग अलग तबके से आते हैं, अलग अलग सरदारी से हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वो इस पंचायत के फैसले से खुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवलदार भंवर सिंह, जिला अध्यक्ष बाम से भारत मुक्ति मोर्चा, जिला मथुरा। मैं यहाँ सारी सरदारी के सामने जो हमारी सरदारी ने फैसला लिया है उसका समर्थन करता हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो हमारे बाम सेप का फैसला है वो गठबंधन के प्रत्याशियों को तन मन धन से जिताने के लिए काम करेगा, ये हम लोगों ने घोषणा की है। और जो सरकार किसान विरोधी है, मानवता विरोधी है, हमारा जो OBC SC माइनॉरिटी के विरोधी है उसको हमें उखाड़ फेंकना है। हम यहाँ पर संकल्प लेते हैं इस ट्रस्ट के अंदर कि हम इस सरकार को 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा उसमें इनको यहाँ से विदा करेंगे, यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे। और मैं डॉक्टर संजय लाठर को भारत के बामसेप मोर्चा की तरफ से हार्दिक अभी से अग्रिम बधाई देता हूँ कि वो यहाँ से 10 मार्च को विधायक होंगे। हवलदार साहब, अभी बात कर रहे थे आप किसानों की बात तक तो ठीक था, लेकिन आपने जो SC BC की बात कही, BJP दावा करती है SC BC तो उसके साथ है। नहीं, ये उसके किताबी दावे हैं, ये उसके खोखले दावे हैं। आज OBC SC और माइनॉरिटी 99.9% BJP को लात मार चुकी है, BJP को छोड़ चुकी है, क्योंकि जितना धोखा OBC के साथ किया गया, भारत का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो कहते हैं कि मैं OBC का हिस्से हूँ, हमारे आरक्षण को ख़त्म कर दिया, हमारे जितने भी अधिकार थे उनको ख़त्म कर दिया, जो हमारे UP में शिक्षक भर्ती हुई उसमें हमारे OBC के 22,500 लड़के शिक्षक बनने थे, सारे पद जो है उन्होंने OBC को नहीं दिए, सारे के सारे जो है जनरल को दे दिए। हमारे सिर्फ 2,000 लड़कों को रोज़गार मिला, बाकी जो बच्चों ने नौकरी मांगी उन पर लाठियां पड़ी, उन लाठियों का जवाब दिया जाएगा और बोर्ड की चोट से जवाब दिया जाएगा और इनको मुंह पर करार तमाचा मारा जाएगा। एक व्यक्ति लगातार 8 बार से यहां से बन रहा है, क्या लगता है इस बार उसको गठबंधन हरा देगा? अब की बार 101% गठबंधन प्रत्याशी विजयी होंगे और 8 बार से जो विधायक जी हमारे यहाँ से होते आ रहे हैं, अब की बार एक उनकी पराजय सुनिश्चित है। जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया है, क्योंकि 3600 बिरादरी अब की बार एक साथ गठबंधन के साथ खड़ी हुई हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ था, अगर पहले हो जाता तो पहले ही वो हार जाते। तो क्या कमी क्या है कि उन्होंने काम नहीं किया कभी विधानसभा में? उन्होंने चुनाव पीरियड में आने के बाद में पूरी 5 साल वो कभी विधानसभा में किसी भी गाँव में नहीं जाते, उनके कुछ चुनिंदे व्यक्ति हैं उनके पास पहुँच जाते हैं, बाकी उनके आज तक विकास का अगर मुद्दा देखा जाए तो किसी गाँव में कोई भी एक भी ईंट एक भी सड़क उनके द्वारा नहीं बनाई गई। क्या लगता है BJP जो है वो हमें जातियों में बांट के, धर्म में बांट के वो सत्ता हासिल करना चाहती है बजाय विकास की बात करने के? ये तो स्वाभाविक है, सभी जानते हैं, एक हिंदुत्व का मुद्दा बना करके राम के नाम से ये लोग आए थे, राम मंदिर का निर्माण इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा शुरू हो गया, सभी लोगों की स्वेच्छा थी, इच्छा थी कि मंदिर बने, लेकिन अब उस चीज़ को ये अब आज तक उसी पे मुद्दा बना रहे हैं। अभी कल परसों नया मुद्दा इन्होंने खड़ा कर दिया था हमारे समाज में देशभाव फैलाने के लिए, कृष्ण जन्मभूमि का। अरे मथुरा अमन चैन से जी रहा है, उसको जीने दो, वोट की बात है। जातियों में बांटने का काम BJP से ज़्यादा किसी ने नहीं किया है, जाति और धर्म के नाम पर ही हमें लोगों को बंटवारा करके और वोट हासिल करती रही है BJP। माट विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे क्या असर रहने वाला है इस चीज़ का? माट विधानसभा में सभी ज़्यादा परसेंट में गरीब लोग हैं और सभी लोग मन बना चुके हैं कि अब की बार सपा सरकार, गठबंधन सरकार। क्या बात है, क्या नाम है आप लोग? आप क्या नाम है? हरपाल सिंह। खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। BJP मानती नहीं कि किसान आंदोलन का कोई असर है यहाँ पे? हाँ, BJP जानती है, तभी वो कानून वापसी लिए हैं, पर जो कानून वापसी लिए हैं वो शर्त रखनी है, अभी किसानों की मानी थोड़ी उन लोगों ने। धरना स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ? नहीं हुआ, धरना तो अब भी चल रहा है टिकट जी का। तो क्या लगता है यहाँ पे जो आज फैसला लिया गया पंचायत में, क्या ये माट विधानसभा में परिवर्तन लाएगा? 100% संजय लाठर के ज़्यादातर वोट होंगे,
और जो हमारी खाप पंचायत हुई है इसका समर्थन है सभी बिरादरियों का। और ये तो नहीं है कि सभी के वोट पड़ते हैं, पर 80% मतदान राठौर जी के साथ हुआ। मतलब पूरा विश्वास है गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से जाने वाला। पंचायत आज हुई है, बहुत बड़ी बात है। लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, आप लोग भी गांव के आसपास के क्षेत्र से। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। तो कौन सा गांव आपका? बूरगढ़ी। तो क्या लगता है आज जो ये पंचायत में फैसला लिया गया है ये सामाजिक हित में है? सामाजिक हित में, गरीब हित में, और यही फैसला पार रहेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है SC-BC उसके साथ है, किसानों को भी वो मना लेंगे क्योंकि आंदोलन बंद करा दिया था। क्या उस चीज़ का असर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? यूँ नहीं रहेगा, किसान विरोधी सरकार है, गरीब मतलब गरीबों को कछु हतना है, और ये तो बिल्कुल 0% पाएगी बीजेपी हमारे। इतना गुस्सा क्यों है बीजेपी को लेके? इतना गुस्सा क्यों है आज जो आप लोगों ने जो सामूहिक वोटिंग करी है उसमें 152 कितनी वोट इसके पक्ष में पड़ी है और बीजेपी के पक्ष में भी कुछ वोट थी? 12 वोट थी, केवल 12 वोट थी। अब कहाँ 12 और कहाँ मतलब 200, तो फर्क तो बहुत है। श्याम सुंदर के लिए एक वोट है, श्याम सुंदर के लिए एक वोट, उसके लिए इतनी नाराजगी क्यों है? मतलब वो 8 वार्ड थे, मतलब विधायक रह रहे और कोई काम कराओ ना है,